हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7U स्टार्ट की थी, जिसमें कि प्रॉब्लम नंबर 5 तक का सलूशन किया था। आप लोगों को रिक्वायरमेंट ने डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बताया था। तो आज अब इस एक्सरसाइज के आगे का पार्ट शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7U प्रॉब्लम नंबर 6। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to power 4 sec square x dx। बहुत ही सिंपल है। तो sec square का क्या होता है, tan x, लिमिट 0 to power 4। वैल्यू डाल देंगे, पहले फर्स्ट अपर लिमिट हमारी 5/4 माइनस 10, लोअर लिमिट 0, 5/4 की वैल्यू 1 और आंसर। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 5/2 साइन एक्स डी एक्स। तो आपको पता है साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स लिमिट 0 टू 5/2। अप्लाई करिए, पहले फर्स्ट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे कॉस 5/2 माइनस माइनस प्लस कॉस, लोअर लिमिट 0, 5/2 पर वैल्यू 0 होती है और इस पर वैल्यू 1, तो आंसर आ गया। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 बहुत इजी है, सीधा इसको इंटीग्रेट करिए। x³ का x³/4 माइनस 5x³/3 प्लस 6x²/2 प्लस 9x, लिमिट वैल्यू 1/1 एंड 2। ये 2 3 4 4 कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, x⁴ माइनस 5/3x³ प्लस 3x² प्लस 9x लिमिट। पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, तो यहां पर आएगा 2 2 की पावर 4 माइनस 5/3 q³ प्लस 3² प्लस 9। अब अपर लिमिट रख ली हमने, इसके बाद में क्या करेंगे, माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पर 1 की पावर 4 माइनस 5/3 1³ प्लस 3 1² प्लस 9 इंटू 1। देखिए क्या आएगा, 16 माइनस, अब ये देखिए कितना आएगा, 2 2 4 2 8 8 5 40 40/3 प्लस ये कितना हो गया, 4 3 12 और 9 2 18 माइनस 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9 ये कितना हो गया, 30 + 40 46 माइनस 40/3 और माइनस इधर कितना हो गया, 13 माइनस 5/3। इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, 4 3 12 2 6 3 18 138 -40/3 -39 -5/3 यहाँ कितना हो जाएगा, 98 माइनस, अब अपॉन में 3 ही है ना, जो अपॉन में 3 ले लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 34 कितना आ जाएगा, 64/3 क्या। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। लेट आई इज इक्वल टू 5/6 to 5/2 cos x dx। cos x का क्या होता है, sin x
लिमिट पाई बाई सिक्स टू पाई बाई, ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई सिक्स। पाई बाई टू की वैल्यू वन होगी, पाई बाई सिक्स यानी 30 डिग्री, वन बाई टू, आंसर आ गया आपका वन। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। लेट आई थी कॉल टू इंटीग्रेशन लिमिट 4 to 5 e टू दी पावर एक्स डी एफ, बहुत ही सिंपल है, e की पावर एक्स नो चेंज, 4 to 5 e की पावर 5 माइनस e की पावर 4, और ज्यादा करना चाहते हैं e की पावर 4 कॉमन करिए e माइनस। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, डायरेक्ट अप्लाई होगा 0 to 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये वैल्यू हो गई पाई बाई 4 माइनस 0, आंसर आ गया पाई बाई। इसी तरीके से प्रॉब्लम नंबर 12 देखते हैं। लेट आई इज इक्वल टू लिमिट 2 to 3 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log x माइनस ए अपॉन लिमिट लगा है, इसलिए सी नहीं आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा, तो क्या करेंगे 1/2a log x माइनस 1/x+1 और इस पर लिमिट अप्लाई। 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिखते हैं इसको log, पहले अपर लिमिट रखेंगे 3 - 1/3+1 माइनस लॉग 2 - 1/2+1, ठीक है ना, उसको सॉल्व करें कितना आएगा, तो I इज इक्वल टू 1/2 लॉग 2/4 माइनस 1/3 माइनस लॉग 1/3, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो 1/2 log, अब log m माइनस log n, तो 1/2 अपॉन 1/3, ये हो गया 1/2 log 3/3। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13। लेट I इज इक्वल टू लिमिट 0 to 1 dx upon under root 1 minus x। अब देखिए भाई ये सीधा sin inverse का फॉर्मूला है हमारा, तो sin inverse x limit 0 to 1 sin inverse 1 minus sin inverse 0 pi by 2 minus 0 equal to pi by 2 1। ऐसे ही प्रॉब्लम नंबर 14 सीधा फॉर्मूला बेस है 0 to a dx अपॉन x स्क्वायर प्लस, तो प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स का फॉर्मूला आ रहा है, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a लिमिट 0 to a 1/a tan इनवर्स, पहले अपर लिमिट रखेंगे a अपॉन a माइनस tan इनवर्स 0, इसे कैंसिल हो गया 1/a tan इनवर्स 1 वैल्यू 0 हो गई, और 1 वैल्यू होती है पाई बाई 2 की पाई बाई 4 की सॉरी, तो यहां पर कितना आ गया पाई बाई 4 की। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 15। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2
साइन 2x dx। तो साइन का क्या होगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2 माइनस 1/2 को बाहर कर लेते हैं और 0 टू पाई माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 2 पाई अपॉन 2 माइनस कॉस 0 इसे टू कैंसिल हुआ कॉस पाई, तो कॉस पाई पर वैल्यू माइनस 1 और 0 पर 1 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 2/2 वैल्यू हो गई। प्रॉब्लम नंबर 16, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 और टेक एक्स डीएक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला है लॉग कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 तो लॉग कॉस एक्स पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4 माइनस लॉग कॉस एक्स पाई बाय 6 माइनस कॉस पाई बाय 4 ये हो गया लॉग कॉस एक्स पाई बाय 4 इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 माइनस कॉस एक्स पाई बाय 6 तो इसकी वैल्यू 2 और cot इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ये आ जाएगा log root 2 minus 1 upon 2 minus root 3। The problem number 17, let I is equal to integration 0 to pi by 2 cos 2x। बहुत ही सिंपल है, cos का क्या होगा माइनस टू सॉरी साइन 2x अपॉन 2 लिमिट 0 टू पाई बाय 1/2 को बाहर कर लीजिए साइन 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस साइन 0 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/2 साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। फाइनली आंसर। स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं पर ओवर करेंगे, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं आप लोग लगा सकते हैं, अपने आप से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके के पीछे जितने भी आपको प्रॉब्लम्स मिली हैं उन सब पर आप लिमिट के द्वारा उनको अप्लाई करके खुद भी लगा सकते हैं, इनको आप कई बार लगाइए जिससे कि आपकी लिमिट सॉल्यूशन करने की लिमिट को सॉल्व करने की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अब इसकी बचे हुए पार्ट को इस एक्सरसाइज को हम लोग अगली क्लास में पूरा करेंगे, मिलते हैं।